हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। तो अभी गर्मी का सीजन आ गया है, दही तो हर किसी को पसंद आता है, वो भी मीठा दही हो जाता है तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिष्टी दही, बोलते हैं बंगाली में, और हिंदी में आप बोल सकते हो मीठा वाला दही। तो मीठा वाला दही बनाने के लिए हमने दूध ले लिए है। दूध देखिए, ये हमने आधा लीटर लिए है, आप चाहे तो एक लीटर की बना सकते हो, जैसा आपको मर्जी आपके ऊपर है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो हमने आधा लीटर का बना रहे हैं, हमने आधा लीटर दूध लिए है, और कोई भी पैकेट का दूध भी ले सकते हो, या तो जो दूध जो मिलते हैं ऐसा खुला जो दूध मिलते हैं वो भी, उससे भी आप बना सकते हो। तो पैकेट का दूध रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, तो इसीलिए ये हमने लिए है। तो दूध हमने आधा लीटर ले लिया है, और जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी एक एक करके हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो तीन छोटा इलायची लिए है, इसे हमें निकाल के इसका पीस के लेना है, छिलका हमें निकाल के लेना है और पीस के इसका पाउडर बना के लेना है। और हमने लिए है शक्कर, शक्कर हमने 50 ग्राम लिया है। मीठा वाला दही बना रहे तो शक्कर तो चाहिए ही चाहिए, और चाहिए दही। ये जो नॉर्मल दही आप लोग घर पर खाते हो या तो बाजार से लेके आते हो, उससे हमें एक चम्मच चाहिए। तो हमने एक चम्मच लेके रख दिए है, और बिठाने के लिए ऐसा बड़ा वाला बाउल चाहिए, ये हमने लिए है। पहले हमें क्या करना है, ये जो दूध हमने लिए है, दूध को अच्छी तरह घट करना है, यानी कि आधा लीटर जो दूध है इसे कम से कम एक पाव करके लेना है, तभी इसका दही अच्छा बनेगा। तो चलिए पहले हम कटिंग करके दूध को ले लेते हैं। तो दूध का पैकेट हमने कटिंग करके ले लिए हैं, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं, दूध को गर्म करके ले लेते हैं अच्छी तरह। तो गैस चालू करके हमने दूध बिठा दिए हैं, दूध को अच्छी तरह गर्म करके ले लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो दूध घट हो गया है, एक पाव जैसा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो 50 ग्राम हमने चीनी लिए है यानी कि शक्कर, ये हम इसमें डाल देते हैं और एक चम्मच बचाते हैं। देखिए एक चम्मच हमने बचाया है, ये हमें बाद में कैरेमल के लिए लगेगा, इसीलिए हमने बचाया है। तो अब ये अच्छी तरह इसी के साथ में मिक्स करके और भी अच्छी तरह दूध को घट करना है, क्योंकि चीनी डालने से दूध थोड़ा सा पतला हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, उसके बाद भी इसी तरह थोड़ा सा और गर्म करके इसे घट करना है, यानी कि गाढ़ा करना है। और इधर हमने जो एक चम्मच दही रखे थे, एक खट्टा वाला दही है, और ये मीठा दही बिठाने के लिए खट्टा वाला दही एक चम्मच चाहिए। तो इसे क्या करना है, अच्छी तरह हमने फेंट लिए हैं, आप देख सकते हो इसी तरह चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह फेंट के ले लिए है। तो दूध देख सकते हो, दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, इसी तरह चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ये एकदम परफेक्ट हो गया है। देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, अभी हम ये निकल के रखते हैं और दूध को ठंडा करना है। तो अभी कैरामेल तैयार करने के लिए ऐसा एक पैन लिए हैं, और इसमें हम ये शुगर डाल देते हैं, डाल के इसे लगातार ऐसा चलाते रहने का तो कैरामेल एक तैयार होएगा, इसी तरह लगातार चलाते ही रहने का। तो आप देख सकते हो चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो इसे कलर बनाना है, थोड़ा सा कलर आएगा तब हमें गैस के ऊपर से निकालना है। इसी तरह आप एकदम से चलाते रहिएगा, धीरे धीरे ऐसा चलाते रहिएगा, एक कैरामेल तैयार होएगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह कैरामेल तैयार करना पड़ता है, इसके देखिए कलर ऐसा चेंज होता है, थोड़ा सा लाल होएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो कड़वा बन जाएगा। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, हमने जो दूध गर्म करके रखे है थोड़ा सा इसमें डालना है, डाल के इसी तरह चलाना है। तो चलाते चलाते एकदम पतला भी हो जाएगा, और भी थोड़ा सा हम दूध डाल देते हैं, ये काम गैस से उतार के ही करना है। देखिए इसी तरह ये चलाते रहने का ऐसा, और ये पूरा दूध में हमें मिक्स करना है। देखिए इसी तरह चलाते रहोगे तो एकदम मिल जाएगा अच्छी तरह, मतलब मिक्स्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है। अभी हमने जो दूध गर्म करके रखे है एकदम गाढ़ा करके, उसी में हमें मिक्स करना है। तो ये हमने जो टोब में दूध गर्म करके रखे है इसी के अंदर ये हम डाल देते हैं। देखिए ये कलर अच्छा रहेगा, इसीलिए कैरेमल तैयार किया जाता है, और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। देखिए एकदम कलर चेंज हो गया है, जैसा मीठा दही का कलर होता है इसी तरह। आप चाहे तो कैरेमल भी स्किप कर सकते हो, और आपको यदि नहीं चाहिए तो, लेकिन कलर चाहिए तो इसी तरह करके बनाइएगा, देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसे क्या करना है, अभी ठंडा करके लेना है, अच्छी तरह ठंडा करना है। और दही अच्छी तरह गाढ़ा जमने के लिए हमने एक ऐसा कढ़ाई बिठा दिया है गैस के ऊपर, इसके अंदर पानी डाला है एक गिलास, और ऐसा हमने एक प्लेट भी रख दिए हैं।
तो अभी हमें क्या करना है, इसे थोड़ा गर्म करके लेना है। गर्म करके लेना है तो थोड़ा सा हाफ पानी देते हैं, ये ढक्कन लगा देते हैं, अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। तो देखिए पानी में बॉईल आ गया है, आप देख सकते हो। अभी गैस बंद कर देना है और इसे ऐसा ढक के रखना है। और हमें जिसमें हमें दही बिछाना है, ये जो पात्र है, ये इसके अंदर ऐसा रख देते हैं। रख के इसे भी हम थोड़ा सा गर्म करके ले लेते हैं, ऐसा ढक्कन लगा देते हैं ढक्कन, और गैस बंद है अभी। तो इधर देखिए दूध ठंडा हो गया है, देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म है, जैसे अंगुली लगा सकते हो इसी तरह का गर्म चाहिए, एकदम ठंडा भी नहीं चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमने जो खट्टे वाले दही रखे थे इसके अंदर डाल देते हैं, पूरा दही डाल देते हैं। ये दही डाल दिए हैं, अभी इसमें डाल देते हैं ये इलायची पाउडर हमने जो बना के रखे हैं, ये भी डाल देते हैं। डाल के सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिला देते हैं, इसी तरह मिला देते हैं। तो देखिए अच्छी तरह हमने मिला दिए है, ऐसा लगातार ऐसा चलाते रहने का तो इसका थोड़ा सा एक झाग आएगा, तो दही के ऊपर जब आएगा ना बूंदे बूंदे, वो देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए आप ऐसा लगातार थोड़ा सा चला दीजिएगा। तो देखिए इसका एकदम बूंदे बूंदे जैसा आ गया है, आप देख सकते हो। तो अभी ये जो हमने गर्म करने रखे थे पत्र, ये हम ले लिए है, अभी इसके अंदर डालते जाने का। देखिए हमने डाल दिए हैं पूरे, अब देखिए ऐसा जैसे बूंदे बूंदे जैसा आ गया है, तो इस साइड साइड का ये हम निकाल देते हैं। और वो जो कढ़ाई गरम करके रखे हैं, तो चलिए उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए कढ़ाई हमने जो गरम करके रखे थे इसके अंदर हम ये बिठा देते हैं और ऊपर से ये ढक देते हैं। ये ढक्कन लगा के ऐसा ओवरनाइट भी रख सकते हो, या तो 5 से 6 घंटा तो रखना जरूरी है, तभी एकदम अच्छी तरह बैठेगा। और इसी तरह भी आप रख सकते हो, या तो इसके ऊपर आप कंबल बिम्बल तावल बिवल थोड़ा सा ओढ़ के आप रख सकते हो। इसका गर्माहट चाहिए, तो गर्माहट होएगा तो अच्छी तरह दही बैठेगा। एकदम चम्मच से आप काट के निकालोगे, थोड़ा भी पानी नहीं निकलेगा, दही एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही बनेगा। तो चलिए हम ओवरनाइट रखते हैं, कल मिलते हैं आप सभी से। सभी लोग देख सकते हो ओवरनाइट रखने के बाद हमने दही निकाला है, देखिए दही एकदम जम गया है, देखिए एकदम अच्छी तरह जम गया है, देख सकते हो आप लोग ये। और हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग किसी तरह दही जम गया है, एकदम मस्त जम गया है। और इसी तरह मीठा दही आप लोग बना सकते हो, और ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। अभी गर्मी के टाइम में आप लोग घर पर जरूर बनाए ये रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप बना के एक दूसरे को खिलाओगे तो आपका नाम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग घर पर एक बार बनाइए, खाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकॉन वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिएगा।